चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल। वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते, और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बैठती चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है? 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते, सोचो कितना पैसा खर्च करते फालतू। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी। एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल है, एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन, ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में। ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है। चाय पियो तो और ज्यादा बनता है। और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना, खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो। आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। मैंने बहुत बार कुत्ते को पिला के देखा, नहीं पीता। गाय को पिलाया, नहीं पीती। भैंस को पिलाया, वो भी नहीं पीती। कोई जानवर चाय नहीं पीता। पक्षी भी नहीं पीते, दूध पीते हैं, दही खा लेंगे, पानी पी लेंगे, चाय नहीं पीता कोई। ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है। अकेला नहीं पीता, हर घर में आने वाले को पिलाता, तू भी पी। अपनी आंतें जलाते हैं, पेट जलाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती। जिनको भूख नहीं लगेगी, शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारियां। इसलिए मत पियो। आप चाय छोड़ दो, सारा देश चाय छोड़ दे, 70,000 करोड़ रुपए देश के बचते हैं। तो आप छोड़ दो। कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, किसी ने चाय नहीं पी। आप क्यों पी रहे हो? बंद करो। तो आप बोलोगे फिर क्या पिए चाय की जगह? मैं आपको बताता हूं, दूध पियो। आप बोलेंगे जी दूध पीने से क्या लाभ है? दो लाभ है। चाय बिकना अगर कम हो जाए, दूध बिकना बढ़ जाए, तो दूध बिकेगा तो जानवर ज्यादा पालने पड़ेंगे, तो मुनाफा सब किसानों को मिलने लगेगा। और चाय का मुनाफा मिलता है ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को। हमारे देश में जो चाय बिक रही है ना, वो सबसे ज्यादा बेचने वाली कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, एक है लिप्टन, एक है टी सिटी, एक है ITC, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। तो ज्यादा चाय बिकती है तो मुनाफा विदेशियों को मिलता है, ज्यादा दूध बिकेगा मुनाफा किसानों को मिलेगा। तो क्या अच्छा है? दूध बिके तो दूध पियो, चाय बंद करो, ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं चाय की तलब लगे तो क्या करें? उसका रास्ता मैं बताता हूं आप, बहुत अच्छा रास्ता। पानी ले लो, खूब गर्म करो उसको, पानी को, उसमें तुलसी की पत्ती डाल दो, अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, दालचीनी डाल दो,
थोड़ा गुड़ डाल दो, खूब उबाल लो और चाय की तरह से पी लो, काढ़ा बना के पी लो। आप बोलेंगे इतना सब कौन करेगा, तो खाली पानी को खूब गर्म करो, नींबू निचोड़ दो, गुड़ डाल दो, चाय की तरह से पी लो। और यह भी नहीं कर सकते तो खूब पानी को गर्म करो और चाय की तरह से पी लो, बहुत फायदा है। पता है क्या फायदा है? खूब गर्म पानी जब हम पीते हैं तो शरीर के अंदर चाय का जितना जहर जमा है वो सब पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। चाय छोड़ दो, ठीक है, बच्चे लोग तो छोड़ देंगे पक्का, और अपने मम्मी पापा की भी छुड़ा दो। आप बोलोगे तो माता पिता भी मानेंगे, और उनको बोलो दूध पियो। एक दिन मैंने हिसाब निकाला।